अमेरिकन बहू। आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी। उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो, वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना, अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं, वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है, मैं यहाँ पैदा हुई पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है, मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है, वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी, कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं, मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे, तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं, यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी, आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा कैसे कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर एली घर के कामकाज में लग जाती है, वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने, अमेरिका की बहू ले आई है पता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है, वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले, मैंने गाँव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है, लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं नहीं मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे, चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए, मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है, एली बहू जरूर आना। जी जरूर। खैर एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती हैं, मामा की बहू। एली तुम यहाँ कैसे रह रही हो, मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है, मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर, वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना, हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन वो मामा जी की बहू है ना? कौन वो अमेरिका वाली? हम लोगों के देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए, ऊपर से ना लड़की को देखा था ना कभी बात की, वैसे क्यों क्या हो गया उसे?
वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है, वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा। वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें। ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो ये मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से हैं, हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू ला कर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है, आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में वाइन का ग्लास, और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा। अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ हाँ, उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है। जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर हम लोग आपको सिर्फ बताने आए थे, अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो, मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है, तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं जरूर हूँ लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन।